पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी खवातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशा। एमरजेंसी 15 पर रवां साल तकरीबन 2 मिलियन कॉल्स पर पुलिस को मदद के लिए भिजवाया गया। फिजिकल रिस्पांस वाली कुल कॉल्स में 20% खवातीन की कॉल्स थीं, जिन पर फौरी पुलिस को मदद के लिए भेजा गया। खवातीन को घरेलू तशद्दुद, हरेसमेंट और जायदाद पर कब्जे समेत दीगर अहम केसेस में मदद फराहम की गई। पुलिस मदद में ताखीर पर गैर मुतमिन कॉलर्स की आईजी कंप्लेंट सेल 1787 से दादरसी की गई। वीमेन सेफ्टी ऐप से 12,000 से ज्यादा कॉल्स और 16,000 से ज्यादा मैसेजेस पर मदद फराहम की गई। खवातीन वीमेन सेफ्टी ऐप के जरिए दीगर मुतलका इदारों को भी मदद के लिए कॉल कर सकती हैं। अब तक 3,00,000 से ज्यादा खवातीन पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर चुकी हैं। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने मजीद बताया कि सेफ सिटी में 20% खवातीन अफसरान काम कर रही हैं, जिन्हें डे केयर सेंटर और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात दस्तियाब हैं। सेफ सिटी अफसरान को हरेसमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतालिक खसूसी तरबियत दी गई है। खवातीन को हरासा करने और तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। महफूज और बाख्तियार खवातीन से मुस्तहकम मुआशरे की तामीर मुमकिन है।